हेलो फ्रेंड्स, तो ये सेकंड वीडियो है कस्टम मैक्रो के रिलेटेड। तो आप जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया कुछ स्लाइड्स के थ्रू, तो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे थे कि आपको जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं ये 100, 101, 102 जो मैक्रो नंबर्स है यहाँ तक आप आ सकते हैं थ्रू दिस टैब। ओके, तो ये मैक्रो का पेज है। तो जितना जितना भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, वो फर्स्ट वीडियो देखिए, तब आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि एग्जैक्टली मैक्रो क्या होता है और मैक्रो का पेज कहाँ पे होता है मशीन में। तो सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे कि किस किस टाइप के मैक्रो होते हैं, किस किस टाइप के मैक्रो होते हैं, ओके, उन्हें कैसे लिखना है, प्रोग्राम में कैसे यूज करना है, वो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये जरूरी है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो मैक्रोज होते हैं ये किस टाइप के होते हैं और किस तरीके से इसे यूज करते हैं। तो अगर आप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा तो फिर नेक्स्ट में अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हैश जीरो ये वेरिएबल टाइप है, ओके, जो है डमी वेरिएबल है। द वेरिएबल इज ऑलवेज एम्प्टी, नो यूज इज असाइन टू वेरिएबल, सॉरी नो वैल्यू इज असाइन टू वेरिएबल, मीन्स इस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन रहती ही नहीं कभी, मतलब ये वेरिएबल आप कभी यूज नहीं कर सकते, ओके, ये ऑलवेज डमी रहता है, ओके। बाद में है #1 to #33, ये दीज आर लोकल वेरिएबल्स, इसे लोकल वेरिएबल कहा जाता है। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जो 100, 101, 102 है इसके ऊपर एक पेज, अगर आप पेज अप करेंगे तो आपको वो #1 से लेके #33 तक लोकल वेरिएबल मिल जाएंगे फन लूप मशीन में, ओके। वैसे ही हास में भी होता है, लेकिन बाकी कंट्रोल का मुझे इतना पता नहीं, हास में भी ऐसे ही होता है, लेकिन फन लूप कंट्रोल में ये 100% होता है, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मैक्रो के पेज पे। तो ये वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल इज ओनली यूज टू स्टोर डेटा इन अ मैक्रो प्रोग्राम सच एज ऑपरेशन आउटकम व्हेन पावर इज कट। मतलब अगर आपने कुछ यहाँ पे कुछ लिखा है, 1 के आगे कुछ वैल्यू लिखी है, और अगर आपने रीसेट बटन दबा दिया या पावर ऑफ हो गया तो यहाँ का जो भी डाटा है वो चला जाएगा, मतलब आपका जो भी डाटा यहाँ पे आपने लिखा है वो इरेज हो जाएगा अगर आप #1 से लेके #33 तक वेरिएबल्स यूज करते हैं तो, ओके। तो ये वेरिएबल आपको कहाँ पे मिलेंगे, इसी पेज पे, अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको ये वेरिएबल्स मिल जाएंगे आराम से। तो ये हो गया एक बात, लोकल वेरिएबल इज इनिशियलाइज टू एम्प्टी, मतलब वो हमेशा एम्प्टी रहते जब तक आप उसे कुछ पोस्ट नहीं करते या कुछ फिलअप नहीं करते हैं। एंड व्हेन मैक्रो प्रोग्राम इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल असाइन टू लोकल वेरिएबल, जैसे आप प्रोग्राम में लिखी कुछ वैल्यूज मशीन रीड करेगा उस तरीके से प्रोग्राम उस पॉकेट्स को इंडिपेंडेंटली वेरिएबल कंसिडर करके उसे भरती चली जाएगी एज अ लोकल वेरिएबल। मगर आपने अगर बीच में प्रोग्राम रोक दिया, रिसेट बटन दबा दिया, तो ये सारा डेटा यहाँ का #1 से लेके #33 तक मिट जाएगा, मतलब ये नहीं रहेगा, ओके। तो इसलिए इसे लोकल वेरिएबल कहा जाता है। तो इसका प्रोग्राम में यूज कैसे करना है ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन मैं आप इस वीडियो में बता रहा हूँ कि टाइप ऑफ वेरिएबल कितने रहते हैं, ओके। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतने टाइप्स के वेरिएबल रहते हैं और उसका यूज कैसे कैसे करना होगा, ओके। अगर आप यहाँ देख रहे हैं #100 से लेके #119 और #500 से लेके 999 तक, अब इस किसी मशीन में कुछ अलग ही रहता है, लेकिन #100 से #999 ये कॉमन रहता है, इन बिटवीन जो वैल्यूज है वो अलग रहती है। यहाँ पे लिखा है कॉमन वेरिएबल, तो ये दीज आर द कॉमन वेरिएबल्स, ओके। कॉमन वेरिएबल हैज द सेम मीनिंग इन डिफरेंट मैक्रो प्रोग्राम, व्हेन पावर इज कट वेरिएबल #100, 199 इनिशियलाइज टू एम्प्टी, मतलब ये भी पावर कट होने के बाद एम्प्टी हो जाते हैं, लेकिन ये रिसेट करने से एम्प्टी नहीं होते। ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस वेरिएबल में कुछ लिखा है और आपने अगर रिसेट का बटन दबाया तो वो एम्प्टी हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर सिर्फ पावर कट हुआ, मतलब मशीन के अंदर एक बैटरी रहता है, वो बैटरी अगर आपने निकाल दिया तो ये
erase ho jayenge, okay? When power is cut, variable hash 100 are initialized to empty. Matlab 0 nahi, null ho jayega, 0 bhi nahi. Data of variable 500999 is stored in one base power. Matlab agar 500 se leke 999 mein agar jo bhi data aapne likha hai, to wo power cut hone ke baad bhi waise hi rahega, battery nikalne ke baad bhi waise hi rahega, okay? तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका इस्तेमाल इस तरीके से यूज होता है. तो आपको शायद हैश 1 से लेके 33 लोकल वेरिएबल, हैश 100 199, हैश 500 हैश 999, ये कॉमन वेरिएबल, ये दो वेरिएबल आपको समझ में आ गए. अब यहाँ पे है हैश 1000, दीज आर हैश 1000 एंड अबो, दीज आर ऑल द सिस्टम वेरिएबल्स. अब सिस्टम वेरिएबल्स क्या है? System variable is used to read and write transformation of all kind of data when CNC is running, such as tool, current, position, compensation value. अभी अगर system variable मतलब जो भी आपका system बना है, जो भी आपका control बना है, तो system के जितने भी values हैं, मतलब आपके tool offset रहो, work offset रहो, या आपका tool calling command, M codes, G codes, जितने भी code है और जितने भी signaling है, वो इस सिस्टम वेरिएबल से ड्राइव होते हैं, मतलब वही उनके पीछे काम करते हैं. अगर आपने M06 दिया है तो उसके पीछे कुछ मैक्रो वेरिएबल्स रहते हैं जो सिस्टम वेरिएबल कहलाते हैं. इसको आप कहीं पे सिस्टम में देख नहीं सकते, ओके? अगर इसको आपको देखना है तो थोड़ा सा अलग टेक्निक से आप देख पाएंगे, जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोज में वन बाई वन क्लियर कर दूंगा, ओके? सो अगर आपको ये समझ में आएगा आया होगा तो ये अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये अगर आपको पता है परफेक्टली तो इसका यूज़ आप सही ढंग से यूज़ कर पाएंगे. सो इसको अगर आपको नहीं समझ में आया तो रिपीट वीडियो देख के इसको समझ लीजिए, अदरवाइज आगे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है. तो फिर इसको देखिए, अच्छे से सीख जाइए और बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. सो अगर आप यहाँ पर आएंगे, ओके, तो ये हास मशीन का मैनुअल है. तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया है वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं और वन बाय वन दिया है, इसलिए मैं इसका रेफरेंस ले रहा हूँ अगर आप देख पा रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए सिस्टम वेरिएबल्स, मैं आपको भी सिस्टम वेरिएबल के बारे में बताऊँगा. मैंने आपको जो भी ये तीन टाइप के वेरिएबल्स है ये बता दिए, इसका यूज़ क्या क्या होता है, ये स्टोर्ड कैसे होते हैं, ये रीसेट कैसे होते हैं, इसके बारे में भी आपको बताया. और इसका पेज अगर आपको देखना है तो आप सिंपली यहाँ पे जाइए, इस प्रोसीजर के थ्रू ऑफसेट का बटन दबाइए, ओके? एक की पैड होता है उस पर ऑफसेट का बटन होता है, वहाँ पे राइट क्लिक कीजिए. बाद में आपको ये नेक्स्ट विंडो मिलेगा, वहाँ पे मैक्रो का बटन दबाइए और ये पेज खुल जाएगा. और पेज डाउन 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 कीजिए, आपको ये जो भी वेरिएबल्स है हैश 99 तक, ये सब के सब वेरिएबल्स यहाँ पे मिल जाएंगे और वहाँ पे आप वैल्यू लिख सकते हैं. अगर आपको मानो कि आप कोई भी एक वैल्यू लिखना है आपको, तो आप किस तरीके से लिखेंगे मैं आपको वो भी बताता हूँ. अगर ऐसा लिखा है आपने हैश 1 इक्वल टू हैश 2 प्लस 100, ओके, और हैश 2 कुछ भी नहीं है तो वो प्लस 100 कंसीडर कर लेगा, ओके, अगर आप देख रहे हैं तो, ओके. ये तो सिंपली लिखिए हैश 1 इज इक्वल टू 1, तो हैश 1 में 1 की वैल्यू चली जाएंगी. अगर आप ये पेज ओपन करेंगे हैश 1 पे 1 लिखा रहेगा, तो आप इस तरीके से उसको MDI या प्रोग्राम में लिख के आप एडिट कर सकते हैं इस पॉकेट्स को, ओके. सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सिस्टम वेरिएबल्स, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 0 है, ये वेरिएबल्स के सारे लिस्ट है. तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि कितने टाइप के वेरिएबल्स रहते हैं, सिस्टम वेरिएबल और कॉमन और लोकल वेरिएबल्स, मतलब ऑल वेरिएबल्स विच इज यूज्ड इन योर सिस्टम टू मॉडिफाई द डेटा, टू ट्रांसफर द डेटा और टू रन ऑल द सिस्टम, ओके. सो यू कैन सी हियर वेरिएबल्स और उसका यूज दिया है. हैश 0 नॉट अ नंबर, रीड ओनली, मतलब उसका आप कुछ नहीं कर सकते. हैश 1 से लेकर 33 मैक्रो कॉल आर्गूमेंट, मतलब एक प्रोग्राम होता है, जैसे G65 हो गया, G66 हो गया, अगर आपको पता हो तो. ये जो मैक्रो मॉडल है उसमें इसका ज़्यादातर यूज़ होता है. अगर आप उसको पता है वो मॉडल को, तो उसका एक टेबल होता है, मैं वो भी आपको समझा दूँगा. अभी इसमें इतना सारा डेटा है बताने को कि मैं आपको मतलब एक वीडियो में तो पॉसिबल ही नहीं बताना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. ये G65
66 का एक मॉडल होता है तो उसमें ज़्यादातर यूज होते हैं, तो ये लोकल बिहेवियर रहते हैं। ओके, अब ये हास का मैनुअल है इसलिए यहाँ पे अलग लिखा है, लेकिन उसका यूज वही है सेम। बाद में ये जनरल पर्पस मतलब कॉमन, ये भी जनरल पर्पस कॉमन। बाद में 700-749 अभी इसमें इसमें एडिशनली दिया है हास कंट्रोल में हिडन वेरिएबल्स फॉर इंटरनल यूज ओनली। मे बी उन्होंने मशीन मैन्युफैक्चरिंग के समय कुछ ऑटोमेशन के लिए यूज किया होगा। ओके, बाद में अगेन जनरल पर्पस मतलब कॉमन वेरिएबल्स दिस थ्री। ओके, यहाँ पे आएंगे आप हैश 1000 से लेके हैश 1063, तो यहाँ पे लिखा है 64 डिस्क्रीट इनपुट्स, मतलब ये कुछ ऑटोमेशन है, मतलब कुछ ड्राइव्स वगैरह, मतलब जो भी सिस्टम होगा उनके लिए कोड्स हैं। तो ये आप यूज़र के लिए जनरली नहीं होते, जहाँ पे जितने भी सिस्टम वेरिएबल है उसमें से यूजर्स के लिए सिर्फ टूल ऑफसेट के वेरिएबल और वर्क ऑफसेट के वेरिएबल, बाद में कुछ अलार्म्स क्रिएट करने के लिए वेरिएबल यूज होता है, तो वो आप प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ अभी। अभी आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो ये कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं होता। और यहाँ पे आएंगे हैश 2001 से लेके हैश 2200, ये है टूल ऑफसेट्स। मतलब अगर आप लिखेंगे हैश 2001 इक्वल टू 100, तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो सॉरी ये पेज अगर आपका टूल ऑफसेट का पेज है, सॉरी ये पेज यस ये टूल ऑफसेट का पेज है आई थिंक, एक्चुअली ये लेंथ मशीन का पेज है। तो यहाँ पे देख सकते एक्स जेड आर और टी, सॉरी ये वर्क ऑफसेट का पेज है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज रहती है आपका टूल ऑफसेट रहता है, बाद में आपका एच वी आर रहता है, बाद में आपका डायमीटर रहता है, और आप में आपका डी वी आर रहता है, ये तो आपको पता ही होगा। ज़्यादातर वी एम सी और एच एम सी में वो पेज रहता है, ये टर्विंग का पेज है इसलिए इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। और ये वर्क ऑफसेट है एक्स और जेड, टर्निंग में दो ही ऑफसेट्स रहते हैं एक्स और जेड। ओके, यहाँ पे लिखा है और उसका आर रहता है। तो इसमें थोड़ा मतलब मैं बता नहीं सकता इस पेज पे, लेकिन वो पेज इसी तरीके से होता है एच ऑफसेट एच वी आर डी ऑफसेट और डी वी आर। तो अगर आप वहाँ पे जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे हैश 2001 इक्वल टू 100, तो एक नंबर का एच ऑफसेट आपका 100 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बट ऐसा करने से पहले आपका जो भी डेटा है वहाँ पे उसको आप फोटो निकाल के रखिए या फिर कहीं पे लिख के रखिए, अन्यथा वो जो डेटा है वो इरेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो बी केयरफुल वाइल यूजिंग दिस कमांड्स। ओके, ये कमांड आपके लिए यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में। ओके, सो 2001 से लेके 2200 तक, मतलब लगभग जितने भी टूल्स आपके 40 टूल्स की, अगर आपकी ATC की कैपेसिटी हो, ऑटोमेटिक टूल चेंजर की अगर 60 होता है, कहीं भी 120 होता है, 150 भी होता है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब 2001 पहले टूल के लिए, 2002 दूसरे टूल के लिए, 2003 तीसरे टूल के लिए, इस तरीके से। सिर्फ आपको लिखना ये है हैश 2001 इक्वल टू 100, हैश 2005 इक्वल टू 200, तो ऑटोमेटिकली उस पेज पे वो ट्रांसफ़र होगा डेटा। ओके, तो ये हो गया टूल लेंथ ऑफसेट ट्रांसफ़र करने के लिए। वैसे ही टूल लेंथ वियर के लिए सेम पैटर्न, 2201 पहले टूल के लिए और कंटिन्यू वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया। बाद में टूल डायमीटर को इनपुट करना है तो आपको लिखना है 2401 इक्वल टू जो भी आपका टूल डायमीटर है, 5, 10, 15, और बाद में टूल डायमीटर रेडियस 2600। तो ये जो चार कोड है वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं प्रोग्राम्स में। ओके, जैसे कि आपको अगर एक ना टूल ऑफसेट है 100 और आपको आपका जो भी ऑपरेटर है उसने उसको चेंज नहीं करना चाहिए, तो आप एक कंडीशन दे सकते हो प्रोग्राम में कि ये जो है 2005 मतलब 5 नंबर का ऑफसेट जो कि 100 है, वो अगर 99 या 101 मतलब 1 mm से कम ज़्यादा हुआ तो मशीन शुड गिव द अलार्म। ऐसा अगर कंडीशन आपने प्रोग्राम में लिख दिया तो वो अगर किसी ने चेंज भी कर दिया 5 नंबर का टूल ऑफसेट, तो मशीन तुरंत अलार्म दे देगी, मतलब गलती होने के चांसेस बहुत कम है। मतलब ऐसी गलतियाँ आप अवॉइड कर सकते हैं थ्रू दिस लॉजिक्स। तो आप मैक्रो यूज़ करके, कंडीशंस यूज़ करके आप अच्छा इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं अपने शॉप में। ओके, तो इस तरीके से ये पॉसिबल है टूल ऑफसेट के साथ और टूल वियर के, क्योंकि बहुत बार जब आप ऑफसेट में करेक्शन देते हैं तो बहुत बार गलती हो जाती है
ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं, तो वो ना हो इसलिए ये आप चार यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशंस चाहिए जो कि आपको पता नहीं, मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कंडीशन आप क्या यूज कर सकते हैं उस चीज़ को। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि ये कोड्स टूल ऑफसेट्स के लिए यूज़ होते हैं। ओके, बाद में अगर यहाँ पे देख रहे हैं आप 3000, तो ये प्रोग्रामेबल अलार्म है, मतलब आपके मशीन पे जितने भी अलार्म्स जनरेट होते हैं थ्रू दिस नंबर द मशीन मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी रिटन दिस प्रोग्राम्स अंडर हैश 3000 एंड ऑल द अलार्म्स कम्स अंडर हैश 3000 एंड 3006। ओके, सो यू कैन सी हियर 3001 मिली सेकेंड टाइमर है, जो भी अगर किसी टाइमर को टाइमर का डेटा लेना है कुछ भी, तो ये कोड यूज़ होता है। बाद में हवर टाइमर, सिंगल ब्लॉक, आपको ये जानकारी नहीं होगी शायद, लेकिन ये सारा का सारा मैन्युफैक्चरर यूज़ करता है अपने सिस्टम को बनाने के लिए। हमें हमारे काम में भी आता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में, अगर आप बहुत डीप प्रोग्रामर है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं यूज़ कर सकते। ओके, तो यहाँ पे ये अगर 3006 है, प्रोग्रामेबल स्टॉप विथ मैसेज, अगर आपको कुछ मैसेज देना है आपके अपने प्रोग्राम में, अगर एक आधा साइकिल हो गया, ड्रिलिंग साइकिल हो गया और बहुत सारे बर्ड टॉप ऑफ द पार्ट है, और आपको अगर मशीन रोकना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, हैश 3006 इज इक्वल टू 1 विथ मैसेज, इन ब्रैकेट आपको मैसेज लिखना है जो भी, मतलब आप लिखेंगे कि प्लीज़ क्लीन द पार्ट, तो वो मशीन रुक जाएगा, डोर ओपन करने के बाद पार्ट क्लीन करने के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे, मशीन अपने आप नेक्स्ट ब्लॉक में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अलार्म आप, इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो इसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे देता हूँ, आप उसको भी देख लीजिए। ओके, बाद में ये बहुत सारे जो भी कोड्स हैं, अभी आपको अगर रीड ओनली स्पिंडल आरपीएम पता करना है तो 3027 ये हास का है मेजरली, लेकिन हास और फानुक का लगभग सेम है, लेकिन आप इसको यूज़ ना करिए, सिर्फ आप टूल ऑफसेट और वर्क ऑफसेट को यूज़ करें। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ पता रहना चाहिए कि कितने सारे मैक्रोज होते हैं, जो कि लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, क्योंकि ये पढ़ाया नहीं जाता है कहीं पे, और जो भी मैन्युफैक्चरर है वो भी नहीं बताता कभी, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत कम लोग यूज़ करते हैं इसको, जिनको पता है वो इसका बहुत फ़ायदा लेके अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बनाते हैं। ओके, बाद में आएंगे आप वेरिएबल्स, तो ये जो है टूल ऑफसेट्स, सॉरी वर्क ऑफसेट्स, इसके लिए इसका यूज़ आप कर सकते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे देखिए 5201 5205, तो ये 5201 मतलब एक्स एक्सिस, 5202 मतलब वाई एक्सिस, 5203 मतलब जेड एक्सिस, ऐसे ही एक्स वाई जेड यहाँ पे दिखा है, एक्स वाई जेड ए बी सी यू वी डब्ल्यू, इसमें एक एक जोड़ते जाएंगे वो एक्सिस का कोड आपको मिलते चला जाएगा। ये G52 के लिए, 52 मतलब फानुक का 53 रहता है, G53 मतलब एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी G52 करेक्ट है, G52 एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर फानुक ऑल्सो एज वेल एज हास ऑल्सो, G53 इज अ मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम विच वी कैन नॉट चेंज दिस वैल्यूज, मशीन जीरो होता है G53 के अंदर, तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते, वो जस्ट टू राइट द प्रोग्राम, इट इज़ जस्ट टू राइट द प्रोग्राम, अंडरस्टैंड। ओके, बाद में G54 है 5221, इसको आप 2223 ऐसा जोड़ते चले जाएंगे, तो आपको एक्स वाई जेड ए बी सी की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको G55 के एक्स में कुछ लिखना है, G55 का एक्स जो कि वर्क ऑफसेट का पेज है, मतलब यहाँ पे अगर आएंगे आप, तो अगर ओके, ये अगर एक नंबर का वैल्यू है, अभी ये तो टूल ऑफसेट का पेज है शायद, ओके, तो इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें नहीं समझ सकता मैं, तो यही पे बताता हूँ मैं, अगर आपको G55 के X में कुछ लिखना है तो 5241 इक्वल टू, अगर आपकी जो भी वैल्यू है -200 -300 ऐसा लिख कर एंडो ब्लॉक डालकर आप स्टार्ट करेंगे, तो सॉरी 5221 मतलब G54 या 55 अगर आप पकड़ेंगे, G55 अगर आप पकड़ रहे हैं, हैश 5241 इक्वल टू -200, तो आप वर्क ऑफसेट के पेज में जाइए स्टार्ट करने के बाद, G55 के एक्स में देखिए आपको -200 की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, लेकिन आपको इस प्रोग्राम को या तो MDI में लिखना है या फिर अपने प्रोग्राम में लिखना है, जो भी आपका डमी प्रोग्राम रहेगा आपको उसमें लिखना है, और आपको स्टार्ट करना है, वो मशीन स्टार्ट साइकिल स्टार्ट का बटन दबाने के बाद जो भी वैल्यूज है वो रीड करेगी, और उसके बाद वो ऑफसेट्स
ट्रांसफर करेगी उस पेज के लिए। तो इतने सारे ऑफसेट्स हैं G52, 54, 55, 56, 57, 58 और 59। ओके, तो ये सारे ऑफसेट्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में, लेकिन कैसे यूज़ करना है तो मैं बताऊँगा आपको बाद में। नेक्स्ट, तो ये सारे के सारे टूल फिट टाइमर्स, टोटल टूल टाइमर्स, टूल लाइफ मॉनिटर, अगर आपने देखा है तो टूल लाइफ मॉनिटर काउंटर भी रहते हैं मशीन के अंदर, वो इसी माइक्रो के थ्रू काउंट करते हैं। ओके, जो कि हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वो मशीन मैन्युफैक्चरर का काम है, उन्होंने बनाया उनके लिए, मतलब सिस्टम वेरिएबल जो भी बने हैं वो सिस्टम बनाने के लिए बने हैं। तो इसका कुछ ज़्यादातर वर्क ऑफसेट और टूल ऑफसेट का इस्तेमाल और कुछ अलार्म्स क्रिएट करने का करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अदर देन ये बाकी आप देख सकते हैं कितने सारे वेरिएबल्स हैं, तो ये सारे के सारे सिस्टम वेरिएबल हैं जो कि सिस्टम को बनाने के काम आते हैं। ओके, तो ये बहुत सारे वेरिएबल हैं, आप अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पे दिखा है #2000 टूल ऑफसेट्स, ईच टूल ऑफसेट हैज अ लेंथ h, मतलब हर टूल ऑफसेट टूल ऑफसेट को एक लेंथ होता है और एक डायमीटर होता है, अलॉन्ग विद एसोसिएट वियर वैल्यूज, उसकी वियर वैल्यूज भी रहती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया #2001 से 2200 तक h जियोमेट्री ऑफसेट रहेगा। अब ये 200 लेंथ यहाँ पे मैक्सिमम लिख सकते हैं, 200 मतलब 200 टूल के लिए, 2200 से 2400 h जियोमेट्री मतलब इसी डायमीटर इसी टूल का वियर ऑफसेट रहेगा। बाद में ये डी 2400 से लेकर 2600 तक डी जियोमेट्री ऑफसेट, और बाद में थर्ड ये डी जियोमेट्री वियर। तो ये पेज आपको पता ही है कहाँ पे, ऑफसेट में, ऑफसेट में अगर जाएंगे तो टूल ऑफसेट का पेज और वर्क ऑफसेट का पेज मिलेगा आपको, तो उसमें टूल ऑफसेट में चाहिए तो उसमें वैल्यू अगर आपको कुछ लिखना है तो थ्रू दिस वेरिएबल्स यू कैन राइट द वैल्यूज। ओके, इस वेरिएबल के थ्रू आप वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर कुछ प्रोग्रामर में मैसेज करना है आपको, #3000 अलार्म कैन बी प्रोग्राम, और प्रोग्राम पर अलार्म विल एक्ट लाइक द बिल्ट इन अलार्म। ओके, अगर आप लिखेंगे #3000=15 मैसेज प्लेस्ड इन टू अलार्म लिस्ट, जो भी अलार्म लिस्ट में मैसेज होगा अगर आप उसको लिखेंगे तो आपको वो अलार्म मिल जाएगा। जैसे कि आप एक मिनट में आपको बता दूँ, ओके, यू कैन सी हियर प्रोग्राम ऑफ द स्टॉप, स्टॉप कैन बी प्रोग्राम विच एक्ट्स लाइक M00, मतलब आपको आपका प्रोग्राम रोकना है तो आप M00 की तरह इस चीज़ को लिख करके स्टॉप कर सकते हैं। तो कंट्रोल स्टॉप एंड वेट्स अंटिल साइकिल स्टार्ट, मतलब जब तक साइकिल स्टार्ट नहीं होगी तब तक आपका प्रोग्राम रुका रहेगा। वंस साइकिल स्टार्ट इज प्रेस्ड द प्रोग्राम कंटिन्यूस विद द ब्लॉक आफ्टर द 3006, जो भी आपने ब्लॉक लिखा है उसके नीचे प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाएगा जब आप साइकिल स्टार्ट करेंगे। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल द फर्स्ट 15 कैरेक्टर ऑफ द कमेंट आर डिस्प्लेड, मतलब यहाँ पे अगर कुछ लिखा है आपने वही 15 कैरेक्टर डिस्प्ले होंगे, मतलब आप बहुत बड़ा भी नहीं लिख सकते। कमेंट डिस्प्लेड ऑन द लोअर लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, जो भी स्क्रीन है आपके मैसेज दिखेगा। जैसे कि ये है, इफ #1=#0 देन 3006=101, 101 उसका नंबर है और यहाँ पे अपना कमेंट लिखिए, क्लीन द वर और वॉट इट इज। ओके, तो ये जो कंडीशन आपको यहाँ पर दिख रही है, इफ़ #1=#0, ये कंडीशन एक कंडीशनल फॉर्मेट है, मतलब ये इक्वल टू का फॉर्मेट है। आपको किसी भी वैल्यू को आपको कंपेयर करना है तो ये कंडीशन आप प्रोग्राम में लिख सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ आपको जब तक पता नहीं है तब तक मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, मशीन में कुछ भी हो सकता है। तो फिर आराम से पहले सीख लीजिए परफेक्टली, उसके बाद ही इसका यूज़ कीजिए। तो इस तरीके से मैंने आज इस वीडियो में पूरा का पूरा जितने भी सिस्टम्स वेरिएबल हैं, लोकल वेरिएबल हैं और कॉमन वेरिएबल हैं, वो किस तरीके से होते हैं मैंने आपको समझाने की कोशिश की। शायद अगर मैं अच्छे से बता पाया आपको तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ रह जाता है तो कमेंट कर दीजिए मुझे कि मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं होप सो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूँगा आपके लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लोगों को बताइए, क्योंकि इस फील्ड में बहुत, मतलब बहुत नॉलेज है, इतना नॉलेज कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बहुत कुछ सीखा हूँ इस फील्ड में, मैं भी एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ
तो मैंने बहुत सीखा है इस फील्ड में और मैं बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब मुझे जो पता है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ थ्रू दिस वीडियोस। तो मुझे मेरा इतना ही कहना है कि अगर आपको अच्छा लगता है कि आप तो वीडियो को शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ, और आपकी जो भी डिमांड हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ओके, सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।